नमस्कार सुप्रभात अर्ग सुपरफास्ट को स्वागत करछु मु स्वप्ना आरंभ करबा खबर अभियान ओमिक्रॉन ने सतर्क कराइला विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्वर 77 देश को व्यापी सारी ओमिक्रॉन बढ़िबारे लागिछि मृत्यु संख्या हॉस्पिटल रे भर्ती होउछंती अधिक आक्रांत विश्वर कोनोसी देश ओमिक्रॉन को हालुका भाबे न नेबाकू विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य टेड्रोस चेतावनी देइछंती। टेड्रोस कहिछंती ओमिक्रॉन अधिकांश देश रे थाइपारे जदियो एहा एपर्यंत चिन्हट होइनाही ओमिक्रॉन संक्रमण संख्या बढ़िबो एवं हॉस्पिटल रे अधिक आक्रांत भर्ती हेबे बोली पूर्वानुमान करछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। 77 कंट्रीज हैव नाउ रिपोर्टेड केसेस ऑफ ओमिक्रॉन एंड द रियलिटी इज दैट ओमिक्रॉन इज प्रोबेबली इन मोस्ट कंट्रीज इवन इफ इट हैजंट बीन डिटेक्टेड येट। Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Even if Omicron does cause less severe disease, the sheer number of cases could once again overwhelm unprepared health systems. I need to be very clear. Vaccines alone will not get any country out of this crisis. Countries can and must prevent the spread of Omicron with measures that work today. It's not vaccines instead of masks. It's not vaccines instead of distancing. It's not vaccines instead of ventilation or hand hygiene. सेपटे आंध्रप्रदेश ओमिक्रॉन चिन्हट पर सीमांत ओडिशा रे भय ब्रह्मपुर बड़ डाक्तरखाना को आसुछंती आंध्र रोगी आंध्र को नियमित यातायात करुछंती ओडिशा सीमांत लोके आंध्र रे ओमिक्रॉन रोगी चिन्हट हेबा पर एबे अधिक विपद गंजाम जिला को रहिछि। गंजाम जिला सीमारे रहितबारु सबु दिन गमनागमन लागि रहिछि। व्यवसायिक कारबार मध्य नियमित जारी रहिछि। आंध्र रो किछि अंचल गंजाम भितरे पशि रहितबा बेले गंजाम रो मध्य किछि अंचल आंध्र भितर को पशि रहिछि। नियमित आंध्ररु रोगी ब्रह्मपुर बड़ डाक्तरखाना को आसुछंती एवं ब्रह्मपुर तथा गंजाम जिलार मध्य बहु रोगी आंध्रप्रदेश जाउछंती। तेबे आंध्र को नियमित यातायात रहितबा बेले ओमिक्रॉन गंजाम जिला पई अधिक चिंता बढ़ाइछि। खूब शीघ्र 3 वर्षर ऊर्ध्व शिशुंक पई आसिबो टीका। 6 मास मध्यरे शिशुंक पई कोरोना टीका आसिबानी सूचना देइछंती सेरम इंस्टीट्यूट सीईओ आदर पुनावाला। वाणिज्य एवं शिल्प मंत्रालय शिल्प एवं आभ्यंतरीण वाणिज्य विभाग मिलित सहयोग में आयोजित होता कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई सम्मेलन 2021 में पुनावाला भाषण देवा समय सूचना देते। ओमिक्रॉन रो सुरक्षा देव टीका यथाशीघ्र टीका नियंतु 100% नहले भी क्रॉस प्रोटेक्शन देव टीका। टीका नेबाकु प्रति गाँव में सामाजिक कर्मी प्रोत्साहित करंतु। केउ ब्लॉक रे टीका लोके नेउनाहंती टास्क फोर्स अनुध्यान करुछि बोली सूचना देछंती परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। 4,62,00,000 डोज देई सारिलुनी तथापि आहुरी किछि नागरिक आमर बाकी रही जाइछंती गोटे भी डोज टीका नै नाहंती। आमर फास्ट डोज बर्तमान 87.4% लोक नेइछंती आहुरी पाखापाखि 13% लोक से टीका नै नाहंती जहाँकि प्राय 40,00,000 लोक। तेणु वर्तमान मु समस्तंकु अनुरोध करुछि जो माने गोटिए भी टीका नै नाहंती सेमाने जेते शीघ्र आसिबे आमर टीकाकरण केन्द्र रे टीका नेकि जानतु। प्रत्येक गाँव को आमर आशाकर्मी एएनएम अंगनवाड़ी वर्कर एवं अन्यान्य कर्मकर्ता माने जाउछंती घर को घर बुली। तेणु जनप्रतिनिधि जो अच्छा प्रत्येक गाँव में किंवा आम एनजीओ अच्छा एसएचजी ग्रुप अच्छा से गाँव में किसी सामाजिक कर्मी अच्छा समस्त को मुझे अनुरोध करुच्ची जे से गाँव में समस्ते केमती जिते शीघ्र आसी अंत गोटे डोज टीका भी जमी से ने तार व्यवस्था करूँ कारण आमर लक्ष्य रही मस शेष सुधा आमर जी हिताधिकारी अच्छा 18 वर्षर अधिक नागरिक समस्त को आम जिते शीघ्र टीकाकरण करवा कारण वर्तमान किसी संक्रमण बढ़ुची एवं अन्य राज्य गुड़ाक भी ओमिक्रॉन रो संक्रमण वर्तमान देखा देखाई सो कौ मुहूर्त भी आम राज्य भी संक्रमण संख्या बढ़ी पारे तेणु ता पूर्व आम समस्ते सतर्क रहा उचित सजग रहा उचित आम समस्ते जमी डिसेंबर शेष सुधा टीका नहीं जाता प्रति आम निश्चय गुरुत्व देवा।
राज्यरे कमिछि पारद बढ़िछि शीत। आजिठु राज्यकु उत्तर दिगरु शुष्क थंडा वायु प्रवेश करबा नै आकलन करिछि पाणिपाग विभाग। या फलरे आगामी पांच दिन जाए राज्यरे शीतर प्रकोप वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। वायुमंडल उपरी भागरे जलीय बाष्प थिबा जोगु राज्यर प्राय अंचलरे दिन तापमात्रा स्वाभाविक ठारु कम रहिबा सह पाग धुआंलिया रहिबो। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि कविता स्वाई आम सहित लाइव जोड़ी होती। तबे कविता जानिबाकु चाहिबा वर्तमान राज्य रे तो शीतर लहरी जारी रही आगामी दिन में राज्य में केते डिग्री थंडा रहिबो एवं जहां पाणिपाग विभाग सूचना देउछि आगकु टेम्परेचर आहुरी कमिबो एवं थंडा अधिक अनुभूत हेबो बोली। देखंतु स्वप्ना जदि कहिबा कि जो दिन तापमात्रा एवं राति तापमात्रा रे परिवर्तन आसुची बा कमुची बोली कहि परबा 2 रु 3 डिग्री राति रात्रि तापमात्रा कमुची एवं जदि कहिबा वर्तमान जो जहां आंचलिक पाणिपाग विभाग पक्षरु वर्तमान रो सूचना मिलिछि कि जो उत्तर एवं पश्चिम दिगरु एवं उत्तर दिगरु जो शुष्क थंडा वायु ओडिसा मध्यको आज प्रवेश करिवो जहार प्रभाव रे ओडिसा आजठु शीतर प्रकोप अधिक देखबा को मिलिवो एवं 5 दिन पर्यंत ई थंडा लागिरबो भीषण थंडा हेबो बोली जहां कुआ सह जदि कह कि जो सब सर्वनिम्न तापमात्रा कथा जदि कह सर्वनिम्न तापमात्रा दारिंगबाड़े 7.5 डिग्री सेल्सियस रही है और 12 सहर वर्तमान 15 डिग्री तले ही रही जदि कह भुवनेश्वर में सामान स्थित जदि 15.6 डिग्री सेल्सियस वर्तमान भुवनेश्वर तापमात्रा रोचे एवं जदि कह जो दिन तापमात्रा कमुचे कहीं वायुमंडल उपरी भाग में जो जलवाष्प रही बर्तमान जो व्यापक उपस्थित जो यह पाग धुआलिया सहित एवं जो दिन तापमात्रा कमुचे एवं आगामी दिन में यार पागर परिवर्तन आसिबो एवं थंडा विशेष भाव में अनुभूत हो विशेषकर आभ्यंतरण ओडिशा एवं उपकूल ओडिशा रे कुहुड़ी हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा मिलो जहाँ आंचलिक पाणिपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाए। निश्चित भाव कविता आपण जहाँ सूचना देते आगामी 4-5 दिन भितर थंडार परिमाण बढ़ राज्य में शीतर लहरी जारी रही है जहाँ आंचलिक पाणिपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाए। धन्यवाद कविता आपण समस्त अपडेट पर आसिबा। परवर्ती खबर को पद्मश्री मित्र भानु गोंतिया असुस्थ छाती जंत्रणा एवं निश्वास नेबारे समस्या हेबारु तांकु बुर्ला डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। मित्र भानु को कार्डियोलोजी विभाग रे रखा जाय चिकित्सा चलीछि। तेबे दीर्घ दिनरु असुस्थ अनुभव करूथले मित्र भानु एबे तांको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर थिबा मेडिकल पक्षरु सूचना मिलिछि। तेबे संपर्कित अधिक सूचना देबे बुर्लारम प्रतिनिधि ज्योति नंद आम सहित जोड़ी होती। ज्योति कौन वर्तमान स्थिति रही एवं मित्र भानु अवस्था किभली रही अधिक अपडेट कौन आ ज्योति सपना जो पद्मश्री मित्र मान जो शरीर अस्त दीर्घ दिन रही से नहीं चिकित्सित होते प्रथम कुचिंडार चिकित्सा है बुर्ला भिंसा को अणाई ट्रिटमेंट चलती जहाँ मेडिकल कर्तृपक्ष पचार बर्तमान अवस्था स्थिर रही कौन बर्तमान असुविधा किसी ना कि कार्डियोलोजी विभाग में भर्ती कराए संपूर्ण भाव में सुस्थ रहा पर्यटन ट्रिटमेंट करी अधिक बेटर जो ट्रिटमेंट दरकार पड़े अधिक गुरुत्वपूर्ण निहाती भाव एक गठन टीम गठन कर ट्रिटमेंट कर मेडिकल कर्तृपक्ष सूचना देखते कि बर्तमान अवस्था ठीक थी पर कहवा सहित मेडिकल कर्तृपक्ष सूचना देखते सपना। निश्चित भाव ज्योति आपड़ जहाँ सूचना देते पद्मश्री मित्र भानु गोंतिया असुस्थ होती तेज ज्योति से केबेठु असुस्थ होइतले एवं डाक्टर कौन सूचना देछन्ति से संपूर्ण सुस्थ होइछन्ति कि देखो जहाँ किसी दिन पूर्व शरीर बारंबार असुस्थ रोला छाती पेन रोला शरीर असुस्थ रो मैंने चिकित्सा होते जमी जो कुचिंडा हस्पिटा भर्ती है ट्रिटमेंट है स्थानांतर कराला समलपुर पुणी बुर्ला डक्टर कहवा अनुसार बर्तमान तो अल्प किसी मान समस्या अच्छी असुस्थ अच्छा कौन सी समस्या आगे किसी ना संपूर्ण भाव सुस्थ है मेडिकल रिलीज कर मेडिकल कर्तृपक्ष जनाते हैं एक डॉक्टर टीम गठन करो जो अधिक किसी असुविधा हुए तो बर्तमान कार्डियोलोजी विभाग में भर्ती कराई बेटर ट्रिटमेंट प्रोफेशनल करा मेडिकल सूत्र सूचना दी जाए पर विषय जोड़ी बर्तमान अवस्था ठीक अच्छी कौन असुविधा नहीं बर्तमान बुर्ला भिंसा ट्रिटमेंट चिकित्सा चलिए।
निश्चित भाव जहाँ बुर्लार प्रतिनिधि ज्योति नंद आमको सूचना देउथिले पद्मश्री मित्रभानु गोंतिया असुस्थ और छाती में जंत्रणा होवारु से निश्वास नहीं पार नथिले बुर्ला डाक्तरखाना भर्ती कराइला किंतु वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रही जहाँ हस्पिटाल कर्तृपक्ष सूचना देते धन्यवाद ज्योति आपण समस्त अपडेट पाई आज मार्गशीर शुक्ल द्वादश तिथि श्रीमंदिर श्रीजीव बनक लगि श्रीमुख सिंहार नीति अनुष्ठित द्वितीय भोग मंडप संपन्न होगापर दत्त महापात्र सेवक मैंने गर्भगृह को प्रवेश करी महाप्रभु श्रीमुख सिंहार नीति संपादन करेंगे हिंगुल हरिताल शंख कला कस्तूरी आदि विभिन्न पारंपरिक प्रसाधन सामग्री में प्रस्तुत रंगरे महाप्रभु श्रीमुख चमकी उठ प्राय चार घंटार नीति हो श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष अपराह प्राय चार राति आठटा पर्यंत सर्वसाधारण निम्ते जगार दर्शन बंद रही सूचना दीजाई किंतु श्रीमंदिर प्रशासन नुआ नियम अनुजाई बनक लगी नीति समय भक्त मैंने श्रीमंदिर भितर पार्श्व देवादेवी मंदिर दर्शन करेंगे बालेश्वर रेलवे स्टेशन बाहर हेल्प सेंटर बाहर महिला उल्लग्न मृतदेह उद्धार होई बेकरे आप्रोन लगता बेले दुष्कर्म पर हत्या करा संदेह करा सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा लोके चलप्रचल कर स्थान को हठात किपर मृतदेह आसला ता समस्त चकित कर आज साइंटिफिक टीम तदंत पर प्रकृत सत्य सामना को आसवि पुलिस सूचना नवरंगपुर विजिलेंस जालरे पापड़ाहांडी ब्लॉक रो कनिष्ठ जंत्री बीणापाणी बेहरा ठिकादार ठारु 20,000 टंका लांच नेबा बेले विजिलेंस हाथरे धरा पड़िले संप्रुक्त जंत्री तेबे तांकु सरकारी बासगृह को विजिलेंस कार्यालय नेबा बेले विजिलेंस गाड़ी को अटक रखिले स्थानीय बासिंदा बीणापाणी को मिथ्या केस रे फसा जाउथबा अभियोग करी गाड़ी अटकाइथिले लोके प्राय 1 घंटा गाड़ी अटक रखिबा परे पापड़ाहांडी पुलिस पहुंची विजिलेंस टीम को उद्धार करिबा परे संप्रुक्त जंत्री को निया जाइथिला पिपिली तहसील सम्मुखरे फनी सहायता दाबीरे अनशन रे बसिबा घटना अनशनकारी को उठाई नेला पुलिस दलित एवं दिव्यांग उभय परिवार फनी सहायता दाबीरे दुई दिन धरी पिपिली तहसील ऑफिस सम्मुखरे बसिथिबा अनशनकारी को उठाई नेछि तबे पिपिली तहसीलदार एसडीपीओ एवं आईआईसी को समेत 20 जणिया पुलिस फोर्स अनशनकारी को जोर जबरदस्त बलपूर्वक उठाई नेछन्ति टिकिनांक नाबालक पुअर स्वास्थ्यावस्था समस्या दर्शाई आंबुलांस जोगे चिकित्सा पठाई बेले अन्य समस्त अनशनकारी धारणास्थल उठाई देखते पिपिली प्रशासन काशी में बीजेपी शासित मुख्यमंत्री बैठक कले प्रधानमंत्री मोदी सरकार नीति योजनार प्रसार नहीं आलोचना कर सूचना मिली आगामी विधानसभा निर्वाचन जनता जड़ित प्रसंग उपरे मंथन होता बैठक में सामिल समस्त मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री एवं सेमानक राज्यर विकास कार्य संपर्क में पचारि बुझिथिले प्रधानमंत्री एक अवसर में प्रधानमंत्री मोदी गुड गवर्नेंस उपरे फोकस देवा को कहिथिले चीन एवं पाकिस्तान सीमार जारी तिक्तता भितर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास उपरे जोर देखते यार विकास दिगरे तत्काल काम आरंभ करिबा दरकार बोली प्रतिरक्षा मंत्री कहिछन्ति डीआरडीओ दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह कहिछन्ति जेउं देशगुड़िक प्रतिरक्षा क्षेत्र में नुआ प्रयोग करिछन्ति सेमाने निजर शत्रु को कड़ा जवाब दे इतिहास रचिछन्ति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी किया है पर इससे आगे भी बढ़ते हुए देश को पिछले कुछ वर्षों में डीआरडीओ के अप्रोच में एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है जैसे जैसे समय बदल रहा है डीआरडीओ ने भी अपने विजन और अप्रोच में परिवर्तन किया है और इसे मैं शुभ संकेत मानता हूं इसके लिए भी डीआरडीओ बधाई का पात्र है पहले एडवर्सरी द्वारा संभावित थ्रेट का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते थे जबकि आज डीआरडीओ वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी आने वाले खतरों के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है और कई ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है जो न केवल फ्यूचरिस्टिक बल्कि दुनिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है
यानी हमारे देश की वैज्ञानिक प्रोडक्ट को लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो स्वप्न देखा था, डीआरडीओ से लेकर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। विवाह प्रोसेशन उपरे कमिश्नरेट पुलिस रो कटकणा राति 10टा परे विवाह प्रोसेशन रे डीजे साउंड बा बाण फुटाइबा मना होईची। कटकणा को कड़ाकड़ी कला कमिश्नरेट पुलिस कोनोसी स्थान रे एपरी हेउथले डीसीपी ऑफिस लैंडलाइन नंबर किबा 112 को कॉल करी जणाइबा को कहले डीसीपी। एनी कमिश्नरेट पुलिस पक्षरु एक नंबर जारी करा जायची। आमे जो लाइसेंस दो सेतिरे 30टी शर्त रखितौ, से शर्त मध्यरे दुईटी शर्त होउची से माने फायर वर्क्स डिस्प्ले करिवे नाही, माने बाण फुटेबे नाही एवं डीजे साउंड अलाउ नाही, डीजे सिस्टम बजेबा अलाउ नाही। विभिन्न समय रे विभिन्न अपार्टमेंट एरिया रे लोक रहुबा एरिया रे सीनियर सिटीजन होवंतु, गर्भवती महिला होवंतु, छोटो शिशु होवंतु, डीजे एवं बाण जोगु प्रभावित होउचंती, नेगेटिवली अफेक्टेड होउचंती। आमे आमर समस्त थानागुड़ी एथपाई सूचित करूँ कि नजर जिते बढ़िया भायोलेसन इमिडियेटली अर्बन पुलिस आक्ट अनुजाई कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे। बालेश्वर जिला सहदेवखुंटा थाना अधीन रेलवे कॉलोनी पछपटु एक परित्यक्त गृह निकटर जणे युवती देह उद्धार होती। युवती जनकर परिचय मिलिनथिबा बेले उल्लग्न अवस्थारे बेकरे एक लुगा बंधा जाइछि। दुष्कर्म परे हत्या करा जाइथिबा स्थानीय बासिंदा अभियोग करिछन्ति। तबे घटनास्थलरे बालेश्वर रेल विभागर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचिथिबा बेले स्थानीय पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। केन्दुझर हाटडीही ब्लकर निखिल उत्कल निम्न माध्यमिक शिक्षक संघ पक्षरु द्वितीय सांविधानिक अवसर संवर्धना उत्सव अनुष्ठित होइछि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोग देते एबीओ उत्सव में संघर संपादक शिक्षक संघर विभिन्न समस्या और शिक्षक एकता उपरे आलोचना करते अवसर ब्लॉक रो विभिन्न स्कूल रो अवसर नहीं 32 जन शिक्षक शिक्षयित्री को संबर्धित कर। बालेश्वर सोर थाना तेंतुली गच्छी गांव अभावनीय घटना। गांव गुरुप्रसाद पुथाळंक देढ़ वर्षर शिशुपुत्र खेलुवा बेले पाखे डिबिरी किरोसिनी पी देइथिला। परे शिशुटीर स्वास्थ्य अवस्था बिगिडिबारु परिवार लोके हॉस्पिटल नेइथिले, तेबे डाक्टर सेठारे शिशु को मृत घोषणा करछंती। त मा से घर थिला छुआ घर खेलुवा भितर गोटे चुंगी सेठी थिला, से चुंगी तेल चुंगीटार से ठिपीटा खुलिकी किरोसिन टा ढाली दीछि। त देह हाथ रे खाली टिके किरोसिनी पड़ बासना होजु, हेले त पाटी रे किछि बासना नै, सांगे सांगे छुआ को सेठुरे बांती हेगला। बांती होबा परे देखला बेलु पाटी रु ब्लो। आठगड़ नरसिंहपुर मुख्य रास्तार कमला देईपुर छक निकटरे ऑटो दुर्घटन दुई जन आहत होती। दुर्घटन में बिरंची स्वाही और शुभलक्ष्मी दुई जन आहत होती। उभय को नरसिंहपुर मेडिकल रे भर्ती करा जाई छी। ऑटो सामना को गोटे गाई चली आसवर दुर्घटना घटीबा जना पड़ी। कटक नरसिंहपुर ब्लॉक बालीडीह गांव में बारहा आक्रमण में जड़े महिला गुरुतर। आक्रमण में गांवर प्राणकृष्ण दलई पत्नी झरी दलई गुरुतर आहत होती। सूचना योग्य जे झरी सारगुणापल्ली निकटरे थिबा तांको खेतकु परिबा तोलिबा पई जाइथिबा बेले बारहा आक्रमण करथिला। गुरुतर अवस्था रे तांको नरसिंहपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती करा जाइछि। चिलिकारु दुई जन शिकारी को गिरफ्त करबा सह सेमानको निकटरु सातटी मृत पक्षी उद्धार होइछि। वन विभाग उद्धार होइतिया मृत पक्षी गुड़िक विदेशागत। गिरफ शिकारी दुई जन हेले मंगला जोड़ीर बाहुड़ा बेहरा और भाईवत बेहरा। जंगल जमी अधिकार आईन कार्यकारिता और आदिवासी बनवासी जंगल जमीन पट्टा भूमिहीन गरीबों जमी अधिकार कार्यकारी करने दावी में कुचिंडारे विशाल शोभायात्रा अनुष्ठित होई। बामरा लोक मुक्ति संगठन नेतृत्व में बामरा ब्लॉक रो समस्त पंचायत रु हजार हजार संख्या रे आदिवासी शामिल होइथिले। बामरा तहसील अंचल रे हजार हजार आदिवासी गरीब भूमिहीन वर्तमान पर्यंत जमी अधिकार पाइबारु वंचित अछंती। तेणु आज लोकमुक्ति संगठन पक्षरु कुचिंडा सब कलेक्टर ऑफिस घेराव करा जाय। जेहेतु विगत दिन रो आमे माने विभिन्न गांव तरफ रु जंगल अधिकार आईन रो अनुजाई व्यक्तिगत गोष्ठीगत अधिकार दाबी करी आसुछु, किंतु तार नेकर जेन प्रकार प्रक्रिया माने करा जिवार कथा से सबुर केनसे सहयोग नि मिलुतार जुगु आज आमे माने आंदोलन करबार लागि आइ।
ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ନୀଳଗିରିର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଶିବିର ମହାପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ସୋମବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନୀଳଗିରି ଉପକଣ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ବାମଦେବ ଦାସଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର କ୍ରୀଡ଼ା ସାଂସଦ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ଲକ ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଧାବିକା ଦୁତିଚାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ 276 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭୀମସେନ ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ନିଷ୍ଠା ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବା ଆଉ ନିଜ ଦେଶ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆପରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିତ୍ୟ ଖେଳିବୁ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କଲେ ତାପରେ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବି ଖେଳିବେ। ହୋଟେଲ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରୁ। ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ରେ ସ୍ନାନର ଚିତ୍ର ମୋବାଇଲରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଗିରଫ ହେଲେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ। ଗିରଫ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲେ 25 ବିପ୍ଳବ ମିତ୍ର। ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ତାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଅଲରେଡ଼ି ଇଜ୍ ଆଉଟ୍, ବିକଜ୍ କେସ୍ ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ଅଗେନଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏମିତି କେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ଓନର୍ ଦ୍ୱାରା। ଫର୍ଦର ଆମେ ତର୍ଜମା କରକେ ଫର୍ଦର ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ। ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଲୋକେ ଆଳୁ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗେ ଯେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଳ ଦାବାରେ ନିକଟରେ ଏକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଣିକୋଇଲି ଛକରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ନଳିତା ପାଟିଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ 38 ଯୁବକ ଅମରେନ୍ଦୁ ଗିରି। ବାପାଙ୍କ ସହ ବସ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବସ୍ରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଯୁବକଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ପ୍ରେମିକର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଯୁବକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାବୁ କରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁସଦା ଗାଁରେ। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶୀର୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ପାଞ୍ଚମାଣିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଠଚିରା ମେସିନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଚୋରି କରି କାଠ ଚିରା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପଟା ବାହାର କରାଯାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ କାଠ ଚିରା ମେସିନ୍ ଜବତ ସହ କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଦେଶ୍ୱରଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ 155ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଯୋଗଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍କୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଆମର ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଯୋଡ଼େ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ର ନାମ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।